और चलिए इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा। चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं बीजेपी से। डीपी यादव जी जुड़े हुए हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी से। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी आपके साथ करूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि देखिए जिस तरह से आज लखनऊ की सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज रही, सुबह से ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, लेकिन तमाम प्रतिक्रियाएं और आरोप सीधे तौर पर यूपी सरकार पर दागे जा रहे हैं कि आखिर एक मूर्ति पर माल्यार्पण करने से क्यों रोका जा रहा है। पिछले साल भी जो तस्वीरें देखी, इस साल भी हमने तस्वीरें देखी। देखिए दीपिका जी, ये मामला सुबह से काफी चर्चा का विषय है और इस पर कई डिबेटें भी हो चुकी हैं। इससे पहले देखिए, अखिलेश यादव की जो सोच है उसको, राजनीतिक सोच को दांत तो देना चाहता हूं, लेकिन कभी कभार हाई स्पीड जो हो ना वो एक्सीडेंट भी करा देती है। अब ये आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से आप इतनी उत्साहित हैं, भाई मूर्ति पूजा हिंदू धर्म में अच्छी बात है कि ये हमारे यहाँ होती है और हम मानते भी बहुत हैं। माफी चाहूंगी देवेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। डीपी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू दोनों की तरफ से ही हो रहा है। एक बार निरंजन जी का रुख कर लेते हैं। निरंजन जी एक बार अपना ऑडियो चेक करा देंगे क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है। आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल निरंजन जी, आपकी आवाज आ रही है। चलिए आप इसे शुरुआत कर लेते हैं, चूंकि देखिए जिस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा आज देखने को मिला, बयानबाजी दोनों तरफ से ही हो रही है, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें। आप सीधे तौर पर आरोप दागा गया कि भैया हम एक मूर्ति में माल्यार्पण करना चाहते, एक परिसर में जाना चाहते, हम वहां जाने से भी रोका जा रहा है। देखिए निश्चित रूप से जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण जी की, सबसे पहले मैं चर्चा करूँ आपके दर्शकों के लिए, जयप्रकाश नारायण जी एक इतनी बड़ी विभूति थे, इतना बड़ा उनका एक व्यक्तित्व था कि मेरा ये मानना है कि जयप्रकाश नारायण जी एक अकेले ऐसा नेता हिंदुस्तान के अंदर माने जाते हैं जो स्वतंत्रता सेनानी के साथ था, जिनको दक्षिण पंथी भी उतना ही आस्था के साथ देखते हैं, वामपंथी भी उतनी आस्था के साथ देखते हैं और मध्यम मार्गी भी उतनी आस्था के साथ देखते हैं। और आज जब उनकी जन्म जयंती है और जन्म जयंती के ऊपर जिस तरीके से जो राजनीतिक राजनीतिक ड्रामा हो रहा है, निश्चित रूप से उनकी आस्था और उनकी प्रतिष्ठा दोनों के अंदर देखना चाहिए क्षति पहुंचाने वाला है। अब यहाँ पे मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि सरकार के जो सलाहकार हैं उनको वो ये ऐसी त्रुटि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले वर्ष में हमने आज के दिन देखा था कि जब अखिलेश यादव जी जब जेपी एनआईसी जाने की जिद पर अड़ गए थे और सरकार उनको रोक रही थी, उसके बाद भी हमको वो दृश्य पूरे देश ने देखा कि जब वो दीवार बांध करके उछल करके और उसके अंदर गए और जाकर के उन्होंने वहां पे औपचारिकता पूरी करी। निश्चित रूप से सरकार को ये चीज समझनी चाहिए थी कि इस बार भी समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इस चीज का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करेगी और कहीं ना कहीं सरकार में बैठे बिठाए उनसे इस राजनीतिक तंत्र को एक आप ये मान के चलिए एक प्रमोट कर दिया, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जो जेपी एनआईसी है उसके अंदर अगर मान लीजिए 450 करोड़ रुपए की सरकार के हिसाब से, वर्तमान सरकार के हिसाब से 450 करोड़ की लागत आनी चाहिए थी, इन्होंने 6 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत रखी और उसके बाद में 850 करोड़ रुपए खर्च कर दिया और आज भी उसका काम अधूरा है, उसकी जांच कर रहे हैं। सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन मेरे को एक चीज आज तक समझ में नहीं आई दीपिका जी, और वो ये है कि सरकार जिस तरीके से पिछले 7 वर्षों से कह रही है उसकी जांच चल रही है और जांच के अंदर इतना कितना समय लगेगा। जो सरकार ये कहती है कि हमारी ये व्यवस्था है कि किसी चीज की आधारशिला भी हम रखते हैं और इसका फीसा भी हम काटते हैं, यानी कि हम इतना द्रुत गति से काम करते हैं, तो फिर जेपीएमआईसी के मामले में वो चीज क्यों नहीं दिखती? 2020 में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ और 2023 के अंदर आप ये समझ, 2024 के अंदर आप ये समझ लीजिए उसका उद्घाटन हो गया, तो जेपीएमआईसी के अंदर भी आपको जो जांच करवानी है जांच करवाइए, वस्तु स्थिति से जो आपको जो भी वहां से सबूत या जो भी आपको भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं उनको आप चेक कीजिए, लेकिन 850 करोड़ रुपए जो जनता के वहां पे मान लीजिए डंप हुए पड़े हैं वो तो जनता के पैसे है ना, वो तो अखिलेश यादव जी के पैसे नहीं थे, जो मैं कंप्लीट कर दूं। और उसके बाद में जिस तरीके से मेरा यह मानना है कि सरकार को इस बार कम से कम ऐसा काम करना चाहिए था कि वहां पे
एक आयोजन स्थल बना करके और अखिलेश जी को भी आमंत्रित करते और स्वयं भी कहते कि चलिए आइए हम मिलकर के इस जन्म जयंती को सेलिब्रेट करते हैं जेपीएनआईसी के अंदर। लेकिन मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि खामखा अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी की पिच पर आकर के खेलने की आवश्यकता क्या है, और वो भी तब जब पिछली बार एक त्रुटि हो चुकी। और हमारे यहाँ कहा जाता है जब आप सरकार में है तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का, हरि को घटो जो भृगु मारे इलाज। तो कहीं ना कहीं उससे आपका एक बड़ा बढ़िया ये कहे या बड़प्पन आपका नजर आता उससे। लेकिन मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि आज जिस तरीके की जो सरकार का रवैया रहा कि वहां पे बड़े बड़े टीन सेट लगा दिए और अखिलेश जी ने उसका भरपूर लाभ उठाया, अपने घर से एक प्रतिमा लेकर के आए और उसको वहां पे सड़क के ऊपर बैठ करके और उसके ऊपर माल्यार्पण किया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अखिलेश जी का जो उद्देश्य था वो उसके अंदर सरकार कहीं ना कहीं चूकी है और अखिलेश जी को इसका राजनीतिक माइलेज जो चाहिए था वो राजनीतिक माइलेज उनको मिला है। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, देखिए जिस तरह से अभी निरंजन जी ने ठीक मुद्दा उठाया है, उन्होंने कहा कि भाई जो राजनीतिक माइलेज लेना था वो तो मिल गया और सरकार ने उसी दिशा में काम कर दिया। डेंट तो आपको ही पहुंचेगा ना, बीच का रास्ता निकालना चाहिए। पिछले साल अभी इसी तरह की गतिविधि हुई थी, देखा था कितने ज्यादा हलचल मची थी। देखिए मैं एक चीज और क्लियर करूंगा आपको, दीपिका जी मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल। मैं एक चीज और क्लियर करूंगा कि सरकार जो है हमेशा गंभीर होती है और सरकार जो है राजनीतिक ये मामला जो निकल कर आया है इस तरह से अभी हमारे निरंजन सर ने भी बोला है, ये कभी कभार लॉ एंड ऑर्डर अलग चीज होती है, सरकार से अलग की एक एलआईयू की ऐसी रिपोर्ट होती है कि उसके अनुसार ही वो काम करते हैं। अब अखिलेश जो है वो माफी चाहूंगी और माफी के साथ देवेंद्र जी आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि फिर से कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तब तक डीपी जी का रुख कर लेते हैं। डीपी जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि आज केंद्र बिंदु तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग ही रहे, जिस तरह से सुबह से हलचल रही, हालांकि सड़क पर तो आप लोगों ने माल्यार्पण कर लिया लेकिन मुद्दा जमकर उठाया। जी दीपिका जी, देखिए किस प्रकार से जेपी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भयभीत है, आशंकित है, वो अब बताने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र और संविधान में विश्वास नहीं करती है। देखिए यही जेपी थे जो 1970 के दशक में तत्कालीन सरकार की जब बुराइयां कहीं ना कहीं बढ़ रही थी तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी और सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक क्रांति के साथ संपूर्ण क्रांति का उन्होंने आह्वान किया था, जिससे समाज में जो सरकार बुराइयां फैल रही थी कहीं ना कहीं उनको दूर किया जाए। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस जेपीएनआईसी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण समाजवादी सरकार में हुआ था उसको सरकार ने लगातार 7 साल तक ढक के रखा था। दीपिका जी पिछली साल भी हम लोगों को याद है कि जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, सरकार ने जब अनुमति नहीं दिया, सरकार ने पूरा बैरिकेटिंग कर दिया, वहां पर टीन सेट लगा दिया, तो जिस तरह से गेट को बंद करके वहां पर गए और जेपी के मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया, तो निश्चित रूप से सरकार को इस बार व्यवस्था करनी चाहिए थी कि जेपी के मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाए। लेकिन सरकार ने इस बार और तानाशाही रवैया अपनाया और वहां पर एक बाउंड्री वॉल खड़ी कर दिया। लेकिन समाजवादी लोग इस तरह के कहीं ना कहीं अवरोधों से डरने वाले नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पर गए और आज भी हम लोगों ने माल्यार्पण किया। लेकिन देखिए सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है वो पूरी तौर से भयभीत हो गई है। पिछली बार का नतीजा ये रहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दीपिका जी सरकार को बहुत बड़ी इसकी कीमत चुकानी पड़ी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुंह की खानी पड़ी। और इसी के साथ देखिएगा जो आज वाकया हुआ उसके साथ ही कहीं। लेकिन अच्छा दीपी जी एक बात बताइए, जब अनुमति नहीं मिली है और जो काम आप लोगों ने बीच सड़क पर करा, आपने बाद में बीच का रास्ता निकाला ना, माल्यार्पण सड़क पर किया, तो जब अनुमति नहीं मिली तो पहले ही ये रास्ता निकाल लेना चाहिए था। नहीं तो ये बताइए सरकार ने क्यों नहीं अनुमति दिया, ये तो बड़ा प्रश्न है ना। जैसे हमारे आपके यहाँ ठीक है, ये सवाल ठीक है, आपका जायज है कि सवाल ठीक है कि क्यों नहीं अनुमति मिली, सवाल मुद्दा उठाना भी चाहिए, लेकिन जब अनुमति नहीं मिली है तो बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए था ना पहले।
बिल्कुल, हम तो चाहते थे, पिछली बार ही हमने सरकार से अनुरोध किया था और इस बार भी हमने अनुरोध किया, लेकिन सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है ना, सरकार को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार संविधान समाप्त करना चाहती है, इस देश से लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। देवेंद्र जी क्या जवाब देंगे इस पर, क्योंकि अभी डीपी यादव जी कह रहे हैं कि पिछले साल भी अनुमति मांगी, इस बार भी अनुमति मांगी, लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, लोकतंत्र के हिसाब से काम नहीं करना है, संविधान के दायरे में नहीं चलना है। देखिए दीपिका जी, मैं पहले भी ये चीज क्लियर कर रहा था, अब भी मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि वहां सुबह से ये काफी जो है डिबेट चली है, वहां जो अपने कमिश्नर हैं लखनऊ, उन्होंने अपने उसमें वक्तव्य में ये बात रखी थी कि वो सशर्त जो है जो वहां का नियम है उसको फॉलो करते हुए अगर वो जाना चाहते, जिस तरह आपने ये प्लान शाम को ही बना दिया था कि वहां हमें लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे करने हैं और हमें वहां कोई ना कोई ड्रामेबाजी करनी है, तो लाइन ऑर्डर अपने आप में एक क्षमता रखता, आप सरकार से भी अलग उसको जो है रिपोर्टिंग होती है उसके अनुसार वो परमिशन देते हैं, कोई घटना स्थल घट सकती है, आप यहाँ जांच क्षमता, देखिए काम रूप से चल रहा है, जांच का भी विषय है, यहाँ जितनी क्षमता के अनुसार आप जो परमिशन देना चाहते थे, लेकिन आप परमिशन तरह से मांगते हैं कंडीशनल परमिशन नहीं देना चाहते थे, आपकी मर्जी से मांगते, आपको ये नहीं होती है, आपने पता था, आपने जान तय करते हैं। देखिए सस्ती लोकतंत्र है, हम सरकार या कोई भी इसमें कोई महान पुरुष के लिए, किसी भी महान आत्मा के लिए कभी भी सरकार जो है, कोई भी सरकार हमारी सरकार छोड़िए, कोई कंडीशनल नहीं लगा सकती। आप हजारों पार्क नाम पर हजारों जगह है पूरे देश में, कितने आज लोगों ने वो किए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी करती है और भी सरकारें करती हैं, और आपने जो ड्रामेबाजी की है कि आप इतनी रोड पर कर ये कर रहे हैं, दूसरे पार्कों में भी बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति स्थापना, लेकिन आप दिखाना चाहते थे, कब तक क्या आईना दिखाना चाहते हो भाई, आप ईमानदारी से कहा, जेपी जी के जो आप पढ़ोगे ना एक बार इतिहास, अगर उनका देखोगे, अगर उनके अनुयायी हैं आप, मैं नेताजी तक ये ठीक था कि भाई वो मानते थे, उन्होंने उनको देखा, लेकिन जो आज की सपा है ना उनके नजदीक कर भी नहीं है, अब क्रिमिनलों की गुंडों की सपा होकर आप एक तरफ जो है उनके साथ खड़े होकर बयान देते हैं कि एक क्रिमिनल ने डकैती डाली उसका एनकाउंटर हुआ उस पर खड़े हो गए, दूसरे ने डाली उस पर खड़े हो गए, आप कहीं परदेश चलने की बात आती है, हिंदू मुसलमान की बात आती है, खुलकर अल्पसंख्यक के साथ खड़े हो गए, सनातन की गालियां जब शुरू होती है तो आप उनके साथ जो है खड़े हो गए कि अल्पसंख्यक के नाम पर कोई दिक्कत नहीं, ना राहुल जी को ना अखिलेश जी का, लेकिन जब सनातन की बात आती है प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहता है और आज भी जिस तरह से सियासी हलचल तेज रही है, ऐसे में लाजमी है कि आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, समय का अभाव है इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो आज जिस तरह से लखनऊ में सियासी हलचल तेज रही है और जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए एक बार फिर से वही तस्वीर हमें देखने को मिली जो कुछ पिछले साल हमें नजारा देखने को मिला था, लेकिन बयानबाजियों का दौर भी बहुत तेज रहा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।